बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोढ़ी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको बता दें कि यूपीएससी का एग्जाम का रिजल्ट है वो आ चुका है। देश के अंदर आईएएस आईपीएस और डीएम जैसे जो बड़े पोस्ट होते हैं, सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी की होती है। और इसके अंदर एक बार फिर से टीना डाबी की जगह ही भारत के बहुजन समाज के बेटे, दलित समाज के बेटे कनिष्ठ कटारिया ने बाजी मार ली है। जी हाँ, यूपीएससी टॉपर सीकर, राजस्थान के सीकर जिले के श्री माधोपुर तहसील के रहने वाले हैं और उनके पिता भी आईएएस सफल आईएएस अधिकारी माने जाते हैं। और कनिष्ठ कटारिया ने पूरे भारत वर्ष के अंदर एक बार फिर बहुजन समाज का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जी आपको बता दें कि टीना डाबी ने पहली बार बहुजन समाज का सिर ऊंचा किया था जब उन्होंने पूरे देश के अंदर आईएएस की परीक्षा में टॉप किया था। और इस बार हमारे लिए गर्व का पल लेकर आए हैं कनिष्ठ कटारिया, जो राजस्थान के मध्य प्रदेश सीकर जिले के श्रीमाधोपुर जो तहसील है वहां के रहने वाले हैं और उन्होंने पूरी भारत वर्ष की जो यूपीएससी की परीक्षा है उसको टॉप किया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज अब किसी भी परीक्षा के अग्रणी, मतलब चाहे किसी भी एग्जाम हो उसे पास होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि इससे पहले भी बहुजन समाज ने डीएम आईपीएस आईपीएस आईएएस सब दिए, लेकिन इनको एक नेता और एक सूत्र में चलाना और इनके अधिकार और इनकी आवाज उठाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सुप्रीम नेता बनाना। यानी कि जब तक आपका प्रधानमंत्री नहीं होगा तब तक इन आईएएस आईपीएस की जो हम बधाई देते हैं उनकी कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। हम बधाई देते हैं कि ये सफल जो हमारी सफलता मिली हमारे समाज को, लेकिन इस सफलता का तभी मतलब रहेगा जब आने वाले दिनों के अंदर बहुजन समाज का नेता प्रधानमंत्री बन पाएगा। तभी तो माननीय साहब काशीराम ने बसपा सुप्रीमो मायावती को उस समय कहा था कि एक कलेक्टर नहीं, मैं आपके सामने कलेक्टर्स की लाइन लगा दूंगा, मैं ये चाहता हूं कि आपके आगे लाइन लगाकर खड़े रहे कलेक्टर। और यही बहुजन समाज अब चाहता है कि उसका कोई नेता निकलकर सामने आए। तो कनिष्ठ कटारिया जो है राजस्थान के, उनको हम बधाई देते हैं अपनी ओर से और हमारे चैनल की ओर से कि आपने यूपीएससी को टॉपर किया। जल्दी हम उनसे मिलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आपसे लेते हैं विदा और आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे।